वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको होम रेमेडीज पे या इन DIYs के ऊपर ट्रस्ट है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन रेमेडीज से थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है ना, तो प्लीज इनको बिल्कुल भी स्टॉक मत करना। इतना मिला है ना तो इतना भी होगा, ये भरोसा रखना। और किन लोगों को भरोसा अभी तक बन चुका है जरूर बताना। तो आज की जो रेमेडी है वो बहुत सिंपल होने वाली है और हर किसी के लिए बहुत इफेक्टिव, खासकर जिन लोगों की स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, मैं कहती हूँ हर किसी को स्किन केयर का इसे पार्ट बनाना चाहिए। बहुत पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आजकल हर ब्रांड में और बहुत तरह तरह के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इन्हें मार्केट से परचेज करते हैं तो उनमें पैराबिन होता है, सल्फेट होता है, इवन एल्कोहल होता है, जो कि डेली डेली अगर हमारी स्किन पे लगता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और और पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि जिन चीज़ों को हम घर पे बना सकते हैं ना, उन्हें मैं कहती हूँ आपको जरूर घर पे बनाना चाहिए, मार्केट से परचेज करने की कोशिश भी मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम घर पे नहीं बना सकते, तो डेफिनेटली उन्हें परचेज करें। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोनर की। टोनर आपकी स्किन को टोन करता है, यानी कि आपकी स्किन का जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, स्किन क्लियर होगी, आपने बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से, चंदन से, वट एवर जिस भी चीज़ से अपने फेस को क्लीन किया है, उसके बाद हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में जितनी बार फेस वॉश करते हैं उतनी बार जो है ना अपने फेस को वाइप कीजिए, उसके बाद टोनर का इस्तेमाल कीजिए। आप जब भी बाहर से आते हैं तो कई बार होता है ना फेस वॉश करने का मन नहीं करता है ना, और सडन करके कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो आप इसी टोनर को लेके अपने फेस पे स्प्रे कीजिए और एक टिश्यू से अपने पूरे फेस को वाइप कर दीजिए और आपका फेस बिल्कुल आपको रिफ्रेशिंग फील होगा, इतना अच्छा है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं उनको मैं बताने वाली हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ वाटर ले सकते हैं। ठीक है, जो ये मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है श्री श्री का, लेकिन इसमें रोज़ वाटर नहीं है, इसमें वो टोनर है जो मैंने बनाया है, अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप इसको दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार इस तरह से अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है एज सच, सिर्फ मैंने एलोवेरा लगाया था अपने फेस पे और ऊपर से ये भी लग गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप से जैसे अपने फेस क्लीन कर लिया उसके बाद इस तरह से इसको लगा लो और अपनी स्किन के अंदर इसको खुद से ड्राई होने दो। हवा नहीं करनी है, फैन के नीचे नहीं बैठना है, नॉर्मल आप घूमते फिरते जो आपको काम करना है वो कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्किन के अंदर जाने दीजिए, क्योंकि ये जो टोनर होता है ना, इतनी जो ड्रॉप्स होती है इसकी बिल्कुल इतनी छोटी होती है कि पूरा पोर्स के अंदर अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो मैं कहूँगी उनको सिर्फ और सिर्फ टोनर से ही ऐसे फील होगा कि अभी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हमारी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसको कोशिश करना है बनाने के बाद आपको स्प्रे बोतल में ही आप इसे डालें, नहीं तो रोज़ वाटर की बोतल अगर है तो बेस्ट है, नहीं तो मार्केट में आपको स्प्रे बोतल भी मिल जाती है। ये कौन सा टोनर है? ये है ग्रीन टी का टोनर। आपने क्या करना है, जितना भी आप इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, अब इसके अंदर दो ग्रीन टी के सैसे डाल दीजिए, अगर आपके पास लूज है तो दो चम्मच डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से खोलने दीजिए, बॉयल होने दीजिए। जब ये आपका हाफ रह जाए उस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दो और इसको फिल्टर कर दो। ठीक है, अब इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। ठंडा होने जब हम इसको रख देंगे ना, तो आप देखोगे कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो हल्का हल्का गुनगुना होगा। उसी टाइम पे आपने क्या करना है, इसको जिस भी बोतल में आप डालना चाहते हो उसमें डाल लो। अगर आपके पास आपको बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें ऐड कर दीजिए। टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें ऐड करके और अच्छे से मिला के रख दो और आप देखोगे बहुत अच्छा काम करता है आप लोगों के लिए। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जिनको पिंपल्स होते हैं, उनके लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या करते हैं, जिन लोगों की स्किन ड्राई है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई फील होता है ना, कई बार मॉइस्चर लगा लो थोड़ी देर बाद उनकी स्किन पे मॉइस्चर भी नहीं रहता है, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें इसी टोनर के अंदर कुछ मतलब ड्रॉप्स डालने हैं ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन इवन मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे नोज़ पे सिर्फ मुझे मेरी नोज़ ना बहुत ज़्यादा चमक मुझे दिखती है,
यानी कि ऑयल आ जाता है मेरी स्किन के ऊपर, और वो आता है सिर्फ नोज के ऊपर। तो आपने क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भी आप, यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन है, यहाँ से ड्राई है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, तो आप लोग भी ग्लिसरीन का यूज़ कर सकती है। मेरी स्किन के ऊपर ग्लिसरीन बहुत अच्छा काम करता है और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन ही ऐड किया था और अच्छे से मिक्स किया है, और कुछ ड्रॉप्स मैंने टी ट्री ऑयल की भी ऐड की है, क्योंकि मेरी स्किन पे एक दो पिंपल निकलता रहता है, इसलिए मैं इसमें टी ट्री ऐड करती हूँ। उससे एक तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आप देखोगे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और जब आप इसको लगाओगे आपको फील ही नहीं होगा कि आपको किसी और मॉइस्चराइजर को अब लगाना है, इतने अच्छे से आपके। और इसकी इतनी छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती है ना, वो स्किन के अंदर डीपली जाती हैं और वहाँ से स्किन की जो लेयर्स है उनको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती हैं। सबसे जो एक कॉमन चीज़ है ना, जो हमारी स्किन पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका एक कॉमन जो कारण है वो ये होता है कि हम अपनी स्किन को, बहुत से ऐसे लोग हैं कि मॉइस्चराइजर लगाते ही नहीं है, स्किन को हाइड्रेशन देते ही नहीं है, उनको लगता है हमारी स्किन तो ऑयली है, हमें तो जुड़ती नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम इसी कारण से होती है। मैंने पहले भी इतनी बार बताया है, इवन मैं भी अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो उससे पहले ही चीज़ों को स्टार्ट कर दो। आप रोज़ वाटर ले सकती हैं, ग्रीन टी का टोनर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत इफेक्टिव है, इवन पिगमेंटेशन को भी ये ठीक करता है। जिस तरह से ग्रीन टी हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी है, उसी तरह से ये हमारी स्किन को भी ब्राइट करती है और इसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हमारी स्किन के अंदर ये डीपली पेनिट्रेट होती है ना, तो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि आपने टोनर लगाया और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलमोस्ट लोगों की स्किन ऐसी ही होती है, पिंपल्स भी होते हैं, ओपन पोर्स भी होते हैं, लेकिन अच्छी स्किन किसको बोलोगे, अच्छी स्किन इसको कि जो आपका नेचुरल कलर है वो आपकी स्किन का हो। इसके साथ साथ आप जब भी कहीं जाना चाहते हैं ना, तो जैसे आपको उसी तरह से चले जाओ, हर बार आपको टचअप की ज़रूरत ना पड़े, मेकअप की ज़रूरत ना पड़े, जो कि आपको पता भी नहीं है कितना हार्मफुल होता है। ठीक है, लोग बीबी क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ लोग हल्का सा फाउंडेशन अपने फेस पे लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो उससे स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मेकअप कुछ लोगों का ये काम हो सकता है, तो लेकिन जो लोग करते हैं ना, वो भी मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि जितनी देर तक आपको जरूरत है ना, उतनी देर तक अपने स्किन पे रखें, उसके बाद उसको अच्छे से निकालें ऑयल की हेल्प से, फिर जो है स्टीम दे के, देन फेस वॉश करके, और फिर आप समझना कि आपकी स्किन से वो जो आपने फाउंडेशन लगाया है, जो आपने बीबी क्रीम लगाई है, वो अच्छे से निकली है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं निकालोगे तो डे बाय डे करके आपकी स्किन और डल होती जाएगी, धीरे धीरे करके वो एजिंग इफेक्ट दिखने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंटेबल रहना है, तो उसके लिए आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टचअप आपको करना पड़ता है, तो कीजिए, लेकिन अपनी स्किन को क्लीन करके ही सोना चाहिए आपको रात को, और जितनी कम देर हो सके, है ना, उतनी देर अपने स्किन के ऊपर मेकअप को रखिए, उसके बाद उसे रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे टोनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इवन कुकुम्बर का टोनर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट मैं दो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। एक है रोज़ वाटर, सेम सीरी का ही मैंने अभी ऑर्डर किया है, 3 बोटल्स मंगवाई हैं, तो वो यूज़ कर रही हूँ, और ये ग्रीन टी का। आप देख सकते हैं मैंने इतना ख़त्म कर दिया, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत बार पहले भी यूज़ किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं, और जिस चीज़ के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ को बिल्कुल हल्के में आंकने की कोशिश मत करना, रिजल्ट्स इसके बहुत अमेजिंग है। जिस भी टोनर के लिए आप कंफर्टेबल है ना, जो आपकी स्किन पे सूट कर जाता है, आप उसको यूज़ किए, लेकिन अपनी स्किन केयर का पार्ट बनाइए टोनर को, और फिर देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।